bismillah rahman assalamu alaikum it is class 7 subject general english topic hamara hai Lala -ji. let us read now i met a strange person at the foot of the gangway when he disembarked the steamer at Samaria ghat it was mango season the hottest time of the year when cholera is always at its worst when the man passed me at the foot of the gangway i suspected he was suffering from cholera and my suspicions were confirmed when I saw him being violently sick. In reply to my questions, the man said he was traveling alone and had no friends at Mokmikar. So I helped him to his feet and led him the 200 yards that separated my bungalow from the gang's. Then I made him comfortable in my Pankha Kuli's house, which was empty and detached from the servants' quarters. May समंदरी जहाज पर सवार होने या इससे उतरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पुल के दामन में एक अजीब से आदमी से मिला जो समरिया घाट पर स्टीमर से उतरा ये आम का मौसम था साल का सबसे गर्म वक़्त जब हैज़ा यानी कॉलरा हमेशा अपने सबसे बुरे रूप में होता है वो आदमी पुल के दाम में मेरे पास से गुजरा तो मुझे शक हुआ आ, मुझे शक हुआ कि वो हेज़े में यानी कॉलरम में मुबतला था और मेरा शक सच्चा साबित हो गया जब मैंने उसे बहुत ही खौफनाक तरह से बीमार होते देखा मेरे सवालों के जवाब में आ, उस आदमी ने कहा कि वो अकेला ही सफ़र कर रहा था और इसका मुखमा घाट पर कोई दोस्त नहीं था इसलिए मैंने इसके पैरों पर खड़ा होने में मदद की और उसे 200 गज के रास्ते पर से लेकर गया जो मेरे बंगले को दरियाई गंगा से अलग करता था और फिर मैंने उसे अपना पंखा झूलने वाले कुल यानी नौकर के कमरे आराम से रखा जो खाली पड़ा था और जो नौकरियों वाले हिस्से से अलग था आई हैड बीन एट महकमा गाट टेन ईयर्स एम्प्लॉंग लॉर लेवल फॉर अंडर माई सुपरविजन इन हाउस प्रोवाइड मी आई हैड सीन इनफ ऑफ हैल्सो इमंग विलेजर्स मैं दस सालों से महकमा घाट पर था भारी तादाद में मजदूरों को काम पर लगवाया करता था इन लोगों से कुछ मेरी देखभाल में उन मकानों में रहा करते थे जो मेरी तरफ से मुहैया करवाए हुए थे मैंने अपने लोगों में और गाँव के लोगों में बहुत cholera phela dekha tha. Few will agree with me that of the tens of thousands of people reported as having died of cholera each year, at least half die not of cholera but of fear. We, also, we who live in India, are distinct from those who visit the country for a longer or shorter period or fatalists, believing that a man cannot die before his allotted time. This, however, does not mean that we are indifferent to epidemic diseases एक्चुअल डिजीज बहुत कम लोग मुझसे रजामंद होंगे कि उन हजारों लोग हजारों लोगों में से जिनके बारे में ऐसी खबर दी जाती है कि वो हर साल कालरा से मरते थे कम से कम आधे ऐसे होते होते जो कालरा से नहीं बल्कि डर से मरते थे हम जो भारत में रहने वाले हैं इन लोगों से जुदा गाना जो इस मुल्क में लंबे या थोड़े अरसे के लिए आते हैं मकदर परस्त है ऐसा यकीन रखते हैं कि कोई आदमी अपने मकर वक़्त से पहले नहीं मर सकता है लेकिन उसका यह मतलब नहीं निकलता कि हम वबाई बीमारों से लापरवाह होते हैं पूरे मुल्क में कॉलरा खोफ पैदा कर देता है और जब एक वबाई बीमारी की शक्ल में आता है तो तो ए, ने, लोग डर से इतने ही लोग मर जाते हैं जितने की असल बीमारी से देर नो क्वेश्चन दैट द मैन देट पक्का एंड हाउस वॉज सफरंग्राम अ बैड अटैक ऑफ कॉलरा एंड इफ ही वॉज टू सरवाइव हिज फैट एंड माई क्रू ट्रीटमेंट एलोन वुड पुल हिम थ्रो फॉर द ओनली मेडिकल एड विद इन माइल वाज ब्रूट ऑफ अ डॉक्टर एज कैल ही वॉज इन एफिशंट इस बात में कोई शक नहीं था कि मेरे पंखा नौकर वाले मकान में पड़ा आदमी कार्रा के खौफनाक हमले का शिकार था और अगर उसे ज़िंदा रहना था तो उसका यकीन और मेरा देश इलाज उसे इसे बापार लगा सकता था क्योंकि मीलों तक हासिल हो सकने वाली सिर्फ एक ही तबी मदद वो गवार डॉक्टर था जो इतना ही बेरहम था जितना कि नाअहल देट इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर वालेकुम